कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से इस वक्त पूरा देश जंग लड़ रहा है। हर दिन कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं। इस महामारी के चलते आम जनता से लेकर कई सेलिब्रिटीज इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री से आए दिन कई दुखद खबरें सुनने को मिल रही हैं। हाल ही में एक और दुखद खबर सामने आई है। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि फिल्म एडिटर अजय शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बीते 4 अप्रैल के दिन अजय शर्मा इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। अजय शर्मा भी कोरोना वायरस महामारी का शिकार हो चुके थे। बीते 10 दिनों पहले ही निर्माता अशोक पंडित ने ट्वीट कर ऑक्सीजन बेड के लिए मदद की गुहार लगाई थी। इस ट्वीट के मुताबिक सामने आया है कि उन्होंने इस ट्वीट में बताया कि कोरोना संक्रमित अजय शर्मा का ऑक्सीजन लेवल उस वक्त 83 तक पहुंच गया था। अजय शर्मा की कोरोना वायरस महामारी के चलते हालत काफ़ी बिगड़ रही थी और आखिर में वह इस महामारी के चलते ज़िंदगी से जंग हार गए। अजय शर्मा की कोरोना वायरस से निधन की पुष्टि उनके करीबी दोस्त ने की है। जैसे ही ये दुखद खबर सामने आई, इस खबर को सुनते ही फिल्म इंडस्ट्री के सितारे यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं और उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि श्रेया पिलगांवकर ने भी ट्वीट किया है और लिखा है, टूट गई हूँ, हमने आज अजय शर्मा को खो दिया। वो सिर्फ एक बेहतरीन एडिटर ही नहीं बल्कि इंसानियत का हीरा भी थे, सही नहीं हुआ। यहाँ पर कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और अपने दुख को बयां करते हुए नजर आए हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अजय शर्मा ने जग्गा जासूस, कारवा, लूडो, इंदु की जवानी, प्यार का पंचनामा 2, क्रूक, तुम मिले और वेब सीरीज ब्रांडेड्स जैसे प्रोजेक्ट्स में एडिटिंग का काम किया था और इसके अलावा भी अजय शर्मा ने कई फिल्मों के लिए काम किया था। लेकिन आज अजय शर्मा हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।